नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2 सप्ताह के बाद शुरू होने वाला है। भारत को ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे और T20I सीरीज के बाद 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। दोनों देशों के बीच 27 नवंबर को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। इस दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी रोमांचक होगी, लेकिन इस सीरीज में एडिलेड डे नाइट टेस्ट मैच खेलने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली वापस लौट आएंगे। इस बीच कंगारू टीम के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने कोहली की तारीफ की है। कोहली की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदा साबित हो सकती है, ऐसा मुख्य कोच जस्टिन लैंगर को भी लगता है, क्योंकि विराट कोहली ने 2014-15 सीरीज के दौरान 692 रन बनाए थे और 2018-19 की सीरीज में 300 के आसपास रन बनाए थे। ऐसे में विराट कोहली को अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी कहते हुए लैंगर ने कहा, ये जानकर खुश होने की जरूरत नहीं है कि विराट कोहली टेस्ट सीरीज मिस करेंगे। लैंगर ने संवाददाताओं से कहा, मैंने ये पहले कहा है कि वो शायद मेरे जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। लैंगर ने कहा, ये न केवल उनकी बल्लेबाजी बल्कि उनकी ऊर्जा, खेल के लिए उनका जुनून, जिस तरीके से वो मैदान में है मैं विश्वास नहीं कर सकता, वो जो कुछ भी करते हैं उसमें ऊर्जा प्रदर्शित होती है। क्या हम खुश हैं कि वो नहीं खेल रहे हैं? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, निश्चित रूप से विराट के नहीं होने से इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत ने पिछली बार हमें हराया था और वो एक बहुत अच्छी टीम है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर पहली बार कंगारू सरजमी पर सीरीज जीती थी, लेकिन इस बार चुनौती पूरी तरीके से अलग होगी, मुख्य रूप से 2 कारणों से, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की उपलब्धता, जो 2018 में नहीं खेल रहे थे। तीसरी बात यह कि विराट कोहली भारतीय टीम के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि भारत के पास चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, केएल राहुल और हनुमा विहारी जैसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।